हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको जरूर क्लिक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी आम रस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि गुजरात का फेमस है, हर कोई को पसंद है, सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। और इसको हम पराठे के साथ, पूरी के साथ और ऐसे भी इसको हम स्वीट डिश के रूप में भी खा सकते हैं। ये यहाँ का बहुत फेमस है और ये अभी आम के जब सीज़न आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाया जाता है। तो इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी आम का सीज़न है। तो आप भी ये रेसिपी बनाइए और इन्जॉय कीजिए और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाया। आम रस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है केसर वाला मिल्क, केसर फ्लेवर का मैं बनाऊंगी, आप इलायची भी डाल सकते हैं। ये साल्ट लिया है पिंच और ये मैंने लिया है पीसी हुई शुगर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको पीस सकते हैं चीनी से। ये मैंने 4 मैंगो लिए हुए हैं। मैंगो एकदम मीठा होना चाहिए, पका होना चाहिए, तभी हमारा आम रस बहुत अच्छा बनेगा, खट्टा बहुत नहीं। ये मैंने केसर आम लिया है, आप कोई सा भी आम ले सकते हैं। अब हम मैंगो को छील लेंगे और उसके बाद छीलने के बाद इसको पीस इसमें कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पील कर लेती हूँ पहले, तो आप देख सकते हैं मैं पील कर ले तो आम मैंगो आप देखिए कितना अच्छा है और एकदम एक जैसा पका हुआ है, ये देखिए आप। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंगो को कैसे एक साल तक स्टोर करते हैं वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखिएगा ताकि आप एक साल तक इन्जॉय कर सकें इस मैंगो को। तो अभी मैं यहाँ पे सारे मैंगो को पील कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारे मैंगो को कट कर लेती हूँ और ये देखिए ये मैंगो मैंने ले लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे पूरा 4 मैंगो को मैंने कट कर लिया है। अब मैं जार लूँगी, ये मैंने जार लिया, जार के अंदर हमें ये सारी सामग्री डाल देना है। तो यहाँ पे मैं पूरा मैंगो डाल देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो साल्ट लिया है वो ऐड करूँगी, उसके बाद जो हमने मिल्क लिया है थोड़ा सा इसके अंदर हमने केसर डाला है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये भी ऐड कर दिया, इसमें बहुत अधिक मिल्क की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो मैंने अंदाज से शुगर लिया है वो मैं थोड़ा ऐड करूँगी, अगर कम लगेगा तो और मैं ऐड कर दूँगी बाद में। उसके बाद इसको हमें ग्राइंड कर लेना है और एकदम स्मूथ ग्राइंड करना है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा होना चाहिए तो आपका आमरस एकदम परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, अब मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और एकदम स्मूथ हमें करना है, बिल्कुल भी एक तब भी हमारा जो मैंगो रस है वो अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया है और यहाँ पे ये इस तरह का इसका रस होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए इसको। और इसमें एक ना बबल सा जैसा आ जाता है, मीन्स कि हमारा ये मैंगो रस बन गया है, तो इस टाइप का होना चाहिए। इसके बाद इसको हम इसके निकाल लेंगे एक उसमें, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बबल्स है ना, इस टाइप का हो जाएगा तो आप समझिए कि आपका मैंगो रस रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर हमें डालना है, इसमें आइस क्यूब्स डालने हैं क्योंकि जो मैंगो रस होता है वो ठंडा बहुत अच्छा लगता है। बनाने के बाद इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा कर लीजिए, फिर आप इसको पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए या फिर आप डेजर्ट के रूप में स्वीट डिश आप कर सकते हैं सर्व। कोई गेस्ट आए तो आप बना सकते हैं या आपको खाना हो तो बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पुदीने पत्ते से गार्निश किया है यहाँ पर और यहाँ पर मैंने पराठे के साथ बनाया था। तो आप सब भी इसको बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मैंगो रस कैसा लगा। मैंने एकदम इजी और बहुत इजी तरीके से आपको बताया मैंगो रस बनाना। अगर आपने नहीं बनाया हो अभी तक तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ।
तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।